जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लिए बनी सिरदर्द। कैसे बनी, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इनेलो से अलग होकर राजनीति में अपनी जगह बनाने वाली जजपा अपने आप को स्थापित करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। जजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जिला एवं ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता भी लोगों से अपनत्व स्थापित करने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। कोरोना काल में भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर काम किया और लोगों के बीच अपनी जगह भी बनाई। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी लगातार दक्षिण हरियाणा पर फोकस कर रहे हैं, साथ ही वहां का भ्रमण कर वहां भी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई कर रहे हैं। साथ ही जजपा की पंचायत चुनाव पर भी नजर है। इस चुनाव के माध्यम से वह दक्षिण हरियाणा में घुसपैठ करने की कोशिश करेगी ताकि आगामी चुनाव में वह अपनी स्थिति और भी बेहतर कर सके। अब सरकार के पास जजपा गठबंधन में है तो इसके चलते भाजपा सब कुछ जानकर भी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका रखने वाले दक्षिण हरियाणा पर इस समय भाजपा एवं जजपा दोनों ही अलग अलग अपनी पैठ मजबूत बनाने में जुटी हुई है। भाजपा दक्षिण हरियाणा में मजबूत है लेकिन इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की अहम भूमिका है। भाजपा व्यक्ति विशेष को अधिक तवज्जो नहीं देती है। इसी के चलते भाजपा दक्षिण हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने में लगी है ताकि चुनाव के साथ वह किसी भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर न रहे, इसका दबाव न चले। वहीं दूसरी ओर जजपा भी चार्टलैंड के अलावा अब दक्षिण हरियाणा में अपनी पैठ जमाने में लगी हुई है। कोरोना काल इस किसान आंदोलन के कारण भाजपा के लोग खासे नाराज हैं और इसका खामियाजा जजपा भी भुगत रही है, लेकिन फिर भी जजपा लोगों से नजदीकियां बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कोरोना काल में जिसकी जिला इकाइयों ने दक्षिण हरियाणा में लोगों की मदद के बहाने उनके दिल में अपने लिए जगह बनाई थी। दक्षिण हरियाणा में विधानसभा चुनाव के समय जजपा को बूथ पर बैठने वाले कार्यकर्ता ही नहीं मिले थे और वहीं अब जिले से लेकर गांव-गांव अपनी टीम बनाकर लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं। सत्ता का पार्ट होने के कारण लोग भी जजपा से जुड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। जजपा में कार्यकर्ताओं के कुछ काम भी हो जाते हैं और वह अपने करीबियों एवं आम लोगों के भी काम करवा देते हैं। सत्ता में होने के कारण प्रशासन भी उनकी बात को अनसुनी नहीं करता। इसी के चलते धीरे धीरे जजपा दक्षिण हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत बनाने में सफल हो रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस एरिए के महत्व को भलीभांति समझते हैं और इसी के चलते वह भी यहाँ आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोगों से जीवंत संपर्क रख रहे हैं, वह आने वाले समय में पार्टी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। मनेरे चैनल के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।